अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो आज आप लोग ये सोच रहे होंगे इस वक्त नईम भाई कहाँ पे मौजूद हैं। जो एक्चुअली मैं एक इवेंट में आया हूँ जो कि ओरेकल का एआई से रिलेटेड, एआई स्ट्रेटजी और डाटा मैनेजमेंट से रिलेटेड एक फोरम का पूरा इवेंट है, ऑर्गेनाइज़ किया गया है यहाँ डिजिटल सिटी रियाद के अंदर, ठीक है। और मैं इस वक्त डिजिटल सिटी में मौजूद हूँ क्राउन प्लाजा के बिल्कुल सामने। सो एक्चुअली 9 बजे यहाँ पे इवेंट स्टार्ट होने वाला है। सो ओरेकल ने काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पे, अप्रोक्सीमेटली $1.5 बिलियन की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है सऊदी अरेबिया के अंदर। यानी कि इन्होंने जो क्लाउड रीजन जो इन्होंने 2020 के अंदर लॉन्च किया था जद्दा के अंदर, ठीक है, उसको भी वो एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने न्यू इनिशिएटिव लिया रियाद के अंदर, और उसके बाद इन्होंने लिया नियोम के अंदर, ठीक है। सो दे आर गोइंग टू एक्सपेंड, और उसी चीज़ से रिलेटेड यानी कि AI स्ट्रेटजी से रिलेटेड, ठीक है, डाटा सेंटर से रिलेटेड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी विद द टाइम इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कि मैं अभी ओरेकल के इवेंट में आया हूँ, उससे पहले मैं गूगल के भी इवेंट में आया हुआ हूँ, ठीक है। और विद द टाइम इंशाल्लाह न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती रहेंगी और मैं आपको बताता रहूँगा। खैर चलते हैं यार, टाइम ज़ाया नहीं करते, अभी निकलते हैं इवेंट के लिए। चलते हैं यार, ये एंटर होने लगे हम, ठीक है, और माशाल्लाह एंटर होते ही क्या लुक आ रही है। तो अभी हमें ये चेक करना है कि ये इवेंट ऑर्गेनाइज कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। इतना बड़ा प्लाजा है, कहीं ना कहीं पे तो हो रहा होगा। एक्चुअली ये देखें, लिखा हुआ है ओरेकल डाटा एंड AI फोरम, और हमें जाना है वहाँ, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है कि हमें बैच भी लेना पड़ेगा एंट्रेंस के लिए, मे बी, अभी आइडिया नहीं है मुझे, ठीक है। खैर फिलहाल हम चलते हैं जहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है, और जहाँ पे उन्होंने इशारा किया था, जहाँ पे उन्होंने डायरेक्शन दी थी, तो एक्चुअली हम वहाँ पे जाना शुरू हो गए हैं, और लेट्स सी। सो यार फाइनली बैच मिल चुका हुआ है, और नाउ वी आर गोइंग टू एंटर। यार ये तो समथिंग एल्स। भाग भाई कैसे हो, तुमसे ठीक है? मुझे लग रहा है मेरा इंतजार कर रहे थे। हम पहुंच चुके हुए हैं ओरेकल के इवेंट के अंदर, जो कि ओबियसली डाटा और AI से रिलेटेड है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। तो ये छोटा सा इवेंट है एक्चुअली, इसमें लिमिटेड लोग आते हैं, ऐसे ही है फाक भाई? जी इसमें लिमिटेड लोग आते हैं। और आपने ही मुझे लिंक शेयर किया था, मुझे कहा था कि ज्वाइन करके देखें। मैं एक्चुअली पहले भी कुछ इवेंट्स में गया हूँ, तो मुझे नहीं आइडिया था कि मतलब कि इसमें लिमिटेड लोग आते हैं, इन्होंने बताया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सिलेक्ट हो गए हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें इस इवेंट के बारे में। इन इवेंट्स में ये होता है ना, बेसिकली इसमें लिमिटेड लोग बुलाए जाते हैं, और जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए करते हैं सबमिट फॉर्म अपना, उसके बाद रिजेक्शन भी आती है, क्योंकि वो देखते हैं आपका, क्योंकि उसमें लिंक्स शेयर होते हैं, ठीक है, तो वो रिजेक्ट भी कर देते हैं। मैं एक दो बार रिजेक्ट हुआ हूँ, ठीक है, और फिर इस बार मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई थी, क्योंकि मैं इनको बार बार फॉलो करता हूँ, और फिर से इन्होंने कहा कि ये बंदा इंटरेस्टेड है। सो आई हैव शेयर्ड विद यू ऑल्सो, सो यू गॉट ऑल्सो एक्सेप्टेड। सो ये बेसिकली इवेंट्स, आप जानते हैं कि सऊदी अरब इस वक्त सबसे ज़्यादा फोकस कर रहा है AI पे, ठीक है। जिस भी इंडस्ट्री में आप चले जाएँ ना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट की अगर बात करें हम, वो भी उनके इवेंट्स में भी AI होगा, AWS के इवेंट्स में भी AI होगा, मतलब AI सारी चीज़ों को कवर कर रहा है एज़ यू नो, ठीक है। तो इसलिए अभी ओरेकल बेसिकली ज़्यादातर डेटा बेसिस जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करता है, ठीक है। तो डेटा बेसिस के अंदर अब AI को मर्ज किया जाएगा, ठीक है। तो ये एक आप देखते हैं, मेरे लिए ये खुद नया इवेंट है। सो लेट्स सी व्हाट वी विल सी इन दिस इवेंट। सो अपार्ट फ्रॉम डैट, जहाँ पे जो एज अ स्पीकर भी यहाँ पे बुलाए गए हैं, वो बुलाए गए हैं लाडले पटेल, जिनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया था, जो कि अरब नेशनल बैंक में एज अ AI एडवाइज़र काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि ओरेकल वालों ने उनको बुलाया है, तो आप वो जाके पॉडकास्ट देख सकते हैं अगर आप देखना चाहें,
ठीक है, और लेट्स सी, देखते हैं कि यार क्या होता है। सो यार एक्चुअली मैं आप लोगों को बताना भूल गया हूँ, फाक भाई इज़ रनिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल। सो ये भी माशाल्लाह काफ़ी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया से रिलेटेड अपडेट कर रहे हैं, और कुछ लेक्चर्स वगैरह भी इन्होंने अपलोड किए हुए हैं, ऐसे ही है? जी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं जो स्टूडेंट्स हैं टेक इंडस्ट्री से और जो नॉन टेक इंडस्ट्री से भी हैं, उनको कैसे अपने करियर में और कैसे अपने स्किल्स को इन्हांस करना चाहिए, और इसके साथ साथ मैं डिफरेंट ऑनलाइन इंटर्नशिप्स, डिफरेंट फ्री कोर्सेज, और उसके बाद मैंने एक टेक स्टूडेंट के लिए एक प्लेलिस्ट स्टार्ट किया जो कि डेवऑप्स पे बेस्ड है। सो ओके, होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक आप लोगों को जाके सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, ठीक है। From industry leaders who are pushing innovations across the regions. Also, throughout the session, we're going to showcase some of the key capabilities and considerations to adopt AI use cases in your enterprise. Also, how you can. Omniverse for digital twin, as well as also for physical AI, is also natively available along the other platform aspects. And we have also integrated the ecosystem that we have with the native Oracle products. So, for example, the advanced accelerated vector search is also. It's really set, I'm excited, and I saw there's a huge progress, especially in the area of generative AI, some of the use cases. So thank you for sharing. So, from a banking point of view, I would not say from an AMB point of view, I'm not allowed to say, from my personal banking point of view. So if I divide the journey, right, I mean, as an overall banking journey. So actually, yaar, aadhe ghante ki break ho gayi hai. Theek hai, let's go to eat something. जी अफाक, क्या खाना पसंद करेंगे आप? यहाँ पे तो पूरा बुफे लगा हुआ आपके लिए। मुझे तो स्वीट्स बहुत पसंद है। तो यार चलो ठीक है, स्टार्ट करें यार। सो यार फाइनली इवेंट ख़त्म हो चुका हुआ है। बहुत अच्छा इवेंट था, बहुत मज़ा आया। आई एम टू मच एक्साइटेड इन क्लाउड एंड AI ऑल्सो। एंड सबसे मज़े की ये चीज़ ये है कि जो इन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है, ठीक है, जो इन्होंने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताया, या आज नहीं तो कल जाके इंटरनेट पे और एकल के यूट्यूब चैनल पे जाके अपलोड हो ही जाना है, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये होती है, यहाँ पे आने के बाद आपके नेटवर्क्स बनते हैं, ठीक है, आपको मार्केट का पता चलता है, यार मार्केट में चल क्या रहा है, आप लोगों से बातें करते हो AI के अंदर या सऊदी अरेबिया में, रियाद में, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट, और एकल मेरा ख्याल है द फर्स्ट क्लाउड है जो कि सऊदी अरेबिया में आया था, ठीक है, 2020 के अंदर ही, और इन्होंने अपना डाटा सेंटर भी ओपन कर दिया था। अच्छा, सबसे मेन चीज़ ये है कि AI में ओरेकल कर क्या रहा है। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे गूगल है, गूगल जेनेटिव AI यूज़ कर रहा है, ठीक है, तो वो किस डाटा के ऊपर कर रहा है काम? ओबियसली जो उसके पास यूज़र्स का डाटा है, ठीक है, उसके ऊपर। लेकिन ओरेकल एक इंटरप्राइज लेवल के डाटा के ऊपर अपने जो इन्होंने फ्यूजन प्रोडक्ट जिसको CUI कहते हैं, ठीक है, जो इन्होंने लॉन्च की है, वो मतलब कि इंटरप्राइज डाटा के ऊपर, यानी कि कितना एक्यूरेट डाटा के ऊपर इन्होंने अपना AI मॉडल ट्रेन किया हुआ है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट बड़ा मज़ा आया, ठीक है, और एकल के CTO भी आए हुए थे, उन्होंने ग्रेट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उन्होंने सारा कुछ बताया अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे भी हैं कि मैंने सोचा यार घर जाके ना इसको थोड़ा सर्च करेंगे, ठीक है। और जो इन्होंने ट्रेन किया हुआ है अपना मॉडल, जो भी इन्होंने अपना जनरेटिव AI के अंदर जो भी प्रोडक्ट बनाई हुई है, वो बेसिकली कोहेयर के ऊपर ट्रेन है, जो इनका अपना इंटरप्राइज डेटा है। तो खैर ये है कि ग्रेट, बहुत मज़ा आया, ठीक है। इस तरह के इवेंट्स में मैं आता रहूँगा और इंशाल्लाह आपको इसी तरह मोटिवेट करता रहूँगा। मेरी कोशिश यही है कि मैं किसी ना किसी तरह कंट्रीब्यूट कर सकूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों को सऊदी मार्केट का पता चले, ठीक है। सो अपार्ट फ्रॉम डैट, इन्होंने अपने कोर्सेज़ वगैरह भी लॉन्च कर दिए हुए हैं, ठीक है, और एकल की वेबसाइट के ऊपर आप जाके वहाँ से लर्निंग कर सकते हो, ठीक है, और इसको यूटिलाइज़ करते हो। और इन्होंने क्लेम किया है, मेन चीज़ क्लेम किया है कि 20%, ठीक है, 220%
जो ओरेकल है वो बेटर देन है GCP से, ठीक है, AWS से, Azure से. आई डोंट नो हाउ इज़ पॉसिबल, बट ले इन्होंने क्लेम किया है. खैर ये है कि आपने सर्च करना है, आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है, इज़ इट मच बेटर देन अदर प्लेटफॉर्म्स और नॉट. थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू, मास्सलाम.